फाइनली मैम आ गए यार, बहुत ही ज्यादा इतना ट्रैफिक था और कुछ आ जा बस 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 इस तरफ कर लो ना, अपोजिट बस 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 पीछे हो ना भाई, पूरा मुंह में घुस के लेगा। आज ये ऐसे घुसते हैं सैंडल वाटर है ना, सैंडल आराम से बोलो, फिर से चले जाते हैं तो चाहते हो चले जाएं। मुंबई जाके मैं फिर से धमाल कर दोगे ना, देखते हैं यार अभी बिग बॉस के अंदर किसको किसकी जरूरत पड़ती है, कैसे जाना होगा, वी डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा आशी जी, क्योंकि आप महाराजा भोग में पहले भी आ चुकी हैं, थोड़ा सा अगर आप बता सकते हैं। बहुत बार आ चुके हैं महाराजा भोग में, तो मैंने बहुत बार खाया है, बहुत मजा आता है मुझे। बट एक्चुअली मैं थोड़ी नॉन वेज हूँ ना, और ये वेज है, थोड़ी नहीं हूँ मैं, बहुत वाली बड़ी वाली नॉन वेज हूँ। अच्छा अभी रेस्टोरेंट्स को इतना मिस किया, मतलब लॉकडाउन था और बाहर आना जाना तो मुश्किल हो गया होगा। बहुत ज़्यादा मिस किया मैंने, एक्चुअली मैं लास्ट विजिट की थी मुंबई के अंदर किसी रेस्टोरेंट में इन 2020 मार्च, जहाँ पर मैं लंबे टाइम के लिए बैठी थी। बाकी उसके बाद जैसे लॉकडाउन हुआ है तो फिर मुश्किल से एक घंटा बैठ जाए तो बहुत बढ़िया। अभी देखो यहाँ पर भी कितना ऊपर चल रहा है कि हमें क्लोज करना है। अच्छी अगर महाराजा भोग पहले भी आइए, पर कोई स्पेशल डिश जो आज चकरा मतलब हमेशा आपको बहुत पसंद है? यार मेरे को वेज इतना याद नहीं रहता, लेकिन फिर भी मिर्ची मिर्ची दही भल्ला, आई थिंक दही भल्ला होता है यहाँ पर है ना, दही बड़ा होता है, दही बड़ा होता है ना, क्या होता है सर? दही बड़ा, दही बड़ा होता है। हाँ आई लव दही बड़ा, मुझे बहुत पसंद। शिवानी करण जौहर का तो मुझे देखना है कि करण जौहर क्या करेगा और कंटेस्टेंट से कैसे बात करेगा, क्योंकि क्या होता है ना, सलमान खान का ऐसा टेरर है ना सलमान साहब का, कि मतलब जब हम सलमान साहब के सामने बैठते थे तो हमें लगता था ओ गॉड आगे क्या होने वाला है, एंड जब वो मुझसे बोलते थे मोहतरमा आप वही आपके तो मैं बोलती थी हो गया। अभी करण कैसे एडजस्ट करेगा वो देखना है। थैंक यू। सोलो करना अच्छा सिंगल 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 मैम सिंगल हुआ नहीं सिंगल हुआ आप सब साइड में मैम इधर इधर यार मैं नाखून टूट गया कैसे एक्चुअली मैंने ही कट कर दिया। अच्छा टूटा थोड़ी हुआ पे गोश्त खाने में दिक्कत हो रही थी। चम्मच से खाने का नहीं मैं चम्मच से खाने वाली नहीं इंसान हूँ ना, मैं देसी इंसान हूँ यार, मैं हाथ से ही खाती हूँ। ऑब्वियसली ना देसी इंसान है। अरे रुक जा जरा, तेरा अलग ही चल। ओके यार मैं बहुत दिन के बाद खा रही हूँ, अमेजिंग, बहुत अच्छा खाना है। मैं फिलहाल थाली देखकर मेरा दिल भर गया क्योंकि मैं इतना नहीं खा पाती, लेकिन कढ़ी मुझे बहुत पसंद है इनकी, इनके परवल बहुत पसंद है, बाकी खाना सब लजीज है, दाल बाटी है। फेवरेट
वेजिटेरियन एक सेकंड रुकना, बस इनका एक काम कर दूं मैं, ओटीपी दे दूं। हाँ जी, कितनी बड़ी फूडी है अर्शी जी, या यू नो जब उनको भूख लगती है तो सबसे पहले लाइक क्या कुछ खाना पसंद करती है? मैं बिल्कुल भी फूडी नहीं हूँ, मैं बस मुझे मंथ में एक दो दिन खाने का बहुत दिल चाहता है, लेकिन मैं पठान हूँ ना यू नो, इसलिए थोड़ी सी चौड़ी हट्टी कट्टी दिखती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा दिल खाने का होता है। वेज में मुझे आई लव मेथी की भाजी, मेथी की भाजी मैं बहुत बड़ी उसकी फ़ैन हूँ, मेथी तो मुझे कभी भी ऑल टाइम दे दो। उसके बाद आई लव कटहल, कटहल थोड़ा यू नो वो नॉन वेज टच देता है तो मुझे वेज में वो पसंद है। यार फिटनेस पे अब मैंने ध्यान देना स्टार्ट किया, क्योंकि पहले मैं सोचती थी कि चलो ठीक है, लेकिन इस वक्त थोड़ा काम पे ध्यान देना, उस वक्त हम काम पे ध्यान नहीं दे रहे थे, तो अब फिटनेस पे तो ध्यान देना पड़ेगा। सो बिग बॉस भी आ रहा है, जैसा कि मेरे सारे सवाल लोगों ने आपसे पूछा, तो मैं एक्साइटेड हूं बिकॉज़ इस बार करण जौहर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैंने तो उस दिन भी बोला कि आई लव, मैं ओटीटी पे करण जौहर को देखना चाहती हूँ, एंड क्या मज़ा आएगा, कैसे अन एडिट होगा, एडिट नहीं होगा, लोगों के मुँह से क्या क्या जुबान से जो अल्फाज निकलेंगे वो मैं देखना चाहती हूँ, मज़ा आएगा। और जो मोस्ट एक्साइटिंग है कि आपको गाना आ रहा है, तो आप कुछ बता सके कि क्या कुछ होगा, कुछ सुनने सुना पंजाबी या क्या आप बताइए? डेफिनेटली 2 अगस्त को मेरा गाना रिलीज़ हो रहा है, शो की सिंगर है और मैं उसके अंदर फीचर कर रही हूँ, तो मज़ा आएगा, बहुत अच्छा गाना है। बस खुश रहो, 2 अगस्त को गाना देखो यार, मेरा बहुत अच्छा गाना है, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू, गुड लक, थैंक यू सो मच के आशीष। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं आपको थर्सडे, मैम इधर रुक जाए, नहीं मैम देखिए मैम, अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में आप कुछ बताएंगे? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मेरे सेकंड वैक्सीनेशन के बाद हो रहा है जी, सो उसके लिए वेट कर रही हूँ। अगस्त से अगस्त ओके, आपके इंस्टाग्राम में 3 मिलियन फॉलोअर होने वाले हैं, उनके फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? वो तो हमेशा मुझे प्यार दिया है, इतना सारा प्यार दिया है कि आई कांट बी ग्रेट, लाइक आई कैन ओनली बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, एंड इतना सारा प्यार मुझे दिखाते हैं वाया सोशल मीडिया, पर्सनली सब कुछ, आई जस्ट लव माई फैंस। ओके थैंक यू सो मच, बाय। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं आपको थर्सडे, मैम इधर रुक जाए, नहीं मैम देखिए मैम, अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में आप कुछ बताएंगे? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मेरे सेकंड वैक्सीनेशन के बाद हो रहा है जी, सो उसके लिए वेट कर रही हूँ। अगस्त से अगस्त ओके, आपके इंस्टाग्राम में 3 मिलियन फॉलोअर होने वाले हैं, उनके फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? वो तो हमेशा मुझे प्यार दिया है, इतना सारा प्यार दिया है कि आई कांट बी ग्रेट, लाइक आई कैन ओनली बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, एंड इतना सारा प्यार मुझे दिखाते हैं वाया सोशल मीडिया, पर्सनली सब कुछ, आई जस्ट लव माई फैंस। ओके थैंक यू सो मच, बाय।